1943 पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। आज़ादी के सिर्फ 4 साल पहले ब्रिटिश राज के समय भारत के बंगाल में आई एक अकाल। उस समय बंगाल के 6 करोड़ लोगों में से करीब 20 से 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। इनमें से ज़्यादातर लोग मारे जाने का कारण था भूख और मलेरिया। इसके अलावा इतने सारे लोग मारे जाने का और भी कारण था, जैसे मैलन्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, अनसैनिटरी कंडीशन और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। खास करके बंगाल में ही ये समस्या दिखाई दे रही थी, जहाँ पे भारत के ज़्यादातर बाकी स्टेट्स में सिचुएशन नॉर्मल था। तो फिर क्यों ये अकाल सिर्फ बंगाल में ही आई थी? कौन और क्या था इसके पीछे की वजह? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक कारणों की वजह से हुआ था, या इसके पीछे कोई इंसान का हाथ था? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इन सब सवालों का जवाब सच में चौंका देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आउट ऑफ सिलेबस में। '1943 में आई इस फेमाइन के पीछे बहुत सारे कारण था। इसके लिए ज्यादातर लोग 1930 में पूरे वर्ल्ड में आई एक फाइनेंशियल क्राइसिस को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है। इसका इफेक्ट ब्रिटेन में पड़ने के कारण उसका प्रभाव भारत में भी दिखाई देने लगी थी। फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा पॉपुलेशन का भारी मात्रा में बढ़ना और एक कारण था। उस वक्त की एक रिपोर्ट में केवल बंगाल में 1901 से लेकर 1941 तक आबादी 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी, जो कि पॉपुलेशन के मामले में 47% सिर्फ बंगाल से ही बड़ी थी। इतना आबादी के साथ एक स्टेट को चलाना वर्ल्ड वॉर टू के वक्त एक चैलेंज भी था। हिसाब लगाया जाए तो देखा जाएगा कि उस वक्त बंगाल में जो राइस प्रोडक्शन होता था, उससे ये अकाल आना पॉसिबल नहीं था। 1945 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ फेमाइन इंक्वायरी कमीशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल को लैंड ऑफ राइस ग्रोवर्स एंड राइस ईटर्स के तौर पे बताया गया था, और बंगाल के अधिकतम खेतों में चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था। उस वक्त बंगाल में 75% जमीन में सिर्फ चावल का उत्पादन होता था, और पूरे बंगाल के 75% से लेकर 85% लोग सिर्फ चावल खा के गुजारा करते थे। लेकिन 1942 और 43 में बाकी सालों के तुलना में चावल का प्रोडक्शन कम हुई थी। इसके पीछे कारण था चावल का द ब्राउन स्पॉट डिजीज, जो कि एक तरह का फंगस था, जो कोक्लियोबोलस मियाबिनास नाम के एक बैक्टीरिया के वजह से हुई थी। इस इन्फेक्शन के वजह से विंटर क्रॉप्स का बहुत नुकसान हुआ। इसके साथ साथ हालात और भी बिगड़ गया, जब उसी साल अक्टूबर में एक खतरनाक साइक्लोन बंगाल को हिट किया था। इस साइक्लोन के लिए लगभग 7,500 गाँव और बहुत सारे चावल के खेत उजड़ गए थे, और करीब 15,000 लोग और 2 लाख से भी ज्यादा मवेशियों का मौत हुआ। साइक्लोन के वजह से मलेरिया का प्रकोप आने लगा, और प्रोडक्शन ठीक ठाक ना होने के वजह से चावल के सप्लाई चेन टूट रहे थे। ब्रिटिश राज रहने के कारण भारत में उगाए गए ज्यादातर खाने का सामान इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। लेकिन फेमस इकोनॉमिस्ट और नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के मुताबिक 1943 में चावल का प्रोडक्शन पिछले सालों से सिर्फ 5% कम हुआ था। ओवरऑल प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 1941 में चावल का जो प्रोडक्शन हुआ था, 1943 में चावल का प्रोडक्शन उससे 13% ज्यादा हुआ था। लेकिन 1941 में तो कोई फेमाइन या खाने का शॉर्टेज नहीं हुई थी, तो फिर 1943 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इतने लोग मारे गए? इसका जवाब मिल सकता है अगर इस घटना को दूसरे नजरिया से देखा जाए तो। 1942 और 1943 में ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। उस समय का दो इम्पोर्टेंट अलायंस था, जिसके एक तरफ था जर्मनी, इटली और जापान के जैसे देश, और दूसरे अलायंस में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत रशिया जैसे बड़े देश। 1941 से लेकर 1942 में जापान बर्मा में घुस के कई सारे इलाका को अपने कब्जे में कर लिया था, और इस तरफ बर्मा के एकदम पास मौजूद भारत में ब्रिटिश राज के तरफ से जापानीज आर्मी को डिफेंड करने के लिए कई सारे इंतजाम किए गए,
क्योंकि ब्रिटेन और जापान अलग अलग अलायंस के मेंबर्स थे। उस वक्त के बर्मा, जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां बहुत सारे भारतीय लोगों को भगा दिया गया था और रिफ्यूजी के तौर पे ये सब लोग बंगाल और असम में आके बसने लगे। इस समय दो ऐसे शख्स थे जो लोग बंगाल की कंडीशन देख के कई सारे प्रिवेंटिव डिसीजंस लेने जा रहे थे। इनमें से एक थे उस वक्त का सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया मिस्टर लियो अमेरी और फील्ड मार्शल सर लॉर्ड वॉवल। लेकिन इन दोनों के रास्ते में परेशान करने वाला एक शख्स थे उस वक्त का ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। उनके ऑर्डर्स के मुताबिक ऐसा इंतजाम की गई थी जिससे बर्मा में स्थित जापान के सेना किसी भी तरीके से बंगाल में घुस ना पाए और साथ ही साथ बंगाल से किसी भी तरीके का खाने का सामान बर्मा तक ना पहुंच पाए। उस साल वैसे भी ब्राउन स्पॉट डिजीज और साइक्लोन के वजह से चावल का प्रोडक्शन कम हुई थी। ऐसी परिस्थिति में विंस्टन चर्चिल के ऑर्डर्स के मुताबिक बंगाल के तट पे मौजूद ज्यादातर छोटी नावों को नष्ट कर दिया गया ताकि किसी भी तरह से नदी के माध्यम से खाना बंगाल से बर्मा और बर्मा से बंगाल ना आ पाए। इतने सारे नावों को नष्ट करने के कारण हजारों मछुआरे की रोजी रोटी बंद हो गई और बंगाल में मौजूद कई सारे चावल के गोदामों को जला दिया गया और कई सारे चावल के खेतों में आग लगा दी गई। जापानीज इंपीरियल आर्मी को रोकने की कोशिश ने बंगाल में खाने का संकट को जन्म दिया। मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस और टूटा हुआ सप्लाई चेन के बदौलत खाने का सामान महंगी होती गई। अर्बन एरिया में बसे लोग किसी तरह से खाने का जुगाड़ कर रहे थे जबकि गांव से आया लाखों लोग शहर में भीड़ जमाने लगे और हजारों की तादाद में भूख से मारे जाने लगे। गांव में आने वाले ज्यादातर लोग दूसरों के जमीन में खेती के काम करने वाले लोग थे। खाने का शॉर्टेज होने के बदौलत बंगाल को कोई भी सहायता नहीं दी गई। ऊपर से उसी साल पूरे भारत से करीब 70,000 टन चावल इंडिया से एक्सपोर्ट की गई थी इंग्लैंड के सेना को खिलाने के लिए। उस वक्त जब लोग मर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया से आ रही एक राशन से भरे जहाज को इंडिया के कोस्टल एरिया से घुमा दी गई और सारे खाने की चीज भेज दी गई ब्रिटिश आर्मी के पास, जहां पे ऑलरेडी पर्याप्त खाना मौजूद थी। बंगाल की उस परिस्थिति को देखते हुए अमेरिका और कनाडा ब्रिटेन को बंगाल में राशन और मेडिकल सपोर्ट भिजवाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लंदन से वो प्रस्ताव को खारिज कर दी गई और इस डिसीजन के पीछे भी विंस्टन चर्चिल का हाथ था। विंस्टन चर्चिल, जिनको लंदन में वर्ल्ड वॉर टू के हीरो माना जाता था और लंदन में एजुकेशन सिस्टम के पीछे इन्हीं की कंट्रीब्यूशन था, लेकिन दूसरी तरफ इनके पास भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत था। उस अकाल में मैलन्यूट्रिशन और दूसरे डिजीज से करीब 40 लाख लोगों का मौत हुई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में एक शर्मनाक घटना बन के रह गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे वीडियो को बंगाली वर्शन में देखने के लिए ऊपर दी गई आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को जरूर चेक कीजिए। इस वीडियो को लेकर या चैनल को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये था आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आउट ऑफ सिलेबस को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।